अगर कोई शौकीन है काओ गरीब काओ के बिल्कुल गरीब काओ रखने के अगर कोई शौकीन है नहीं जी बिल्कुल आ गया आपको अब प्रैक्टिकली तौर पर हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली तौर पर छोटा सा ब्लैक बेड़ा लेके आ रहे हैं जी इसका नाम भी काला है और इसका मालिक इसको बुलाता है कि काले इधर आ तो ये इस तरफ आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं हूं ज्योति उमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जी आने वाली वीडियो आपके पास बासानी पहुँचती रहे। हाँ जी ये काओ है जी बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत इसका कलर है और ये बच्चा जी इसकी काऊ है और ये सारा दिन जी अपने मवेशियों को जी लोगों की ज़मीनों में चारते हैं और अपनी ज़मीनों से जी ग्रास को कटिंग करके और अपने घर में शाम को जाकर इनको जी खुराक भी डालते हैं और जी ग्रास भी घास भी इनको डालते हैं। और इस टाइम जी ये जो मुझे इससे डर लग रहा है कोई भी नहीं आ रही है भाग रही है मुझसे डर के भाग रही है इसको इधर लेके आओ। तो जो ये काऊ है ना जी अगर कोई फार्म वाला कोई घर है यानी के छोटे बच्चे अगर यानी के इस तरह कह लें कि अगर कोई शौकीन है काओ गरीब काओ के बिल्कुल गरीब काओ रखने के अगर कोई शौकीन है ना जी तो फिर आपको एक काओ दिखाने लगे हैं उसका नंबर भी डिस्क्रिप्शन आईडी में देने लगे हैं प्राइस भी बताने लगे हैं रेट भी बताने लगे हैं और बताते हैं कितनी शरीफ है जी वो काओ मारती भी नहीं है बिल्कुल और मुस्लिम भी आ गया हमारे साथ और जी मुस्लिम भी बिल्कुल आ गया आपको अब प्रैक्टिकली तौर पर हम दिखा रहे हैं प्रैक्टिकली तौर पर छोटा सा बच्चा है ना मुस्लिम तो मुस्लिम अभी काओ को मिल्क निकालेगा आपको पता चल जाएगा। अगर कोई शौकीन गरीब काओ लेना चाहता है बिल्कुल तो फार सेल है आओ मुस्लिम आओ नहीं कुछ कहती मुस्लिम नहीं कुछ कहती ये देखो वो फिर भाग गई जी ये भरो ये देखो जी ये काओ बिल्कुल गरीब है कुछ भी नहीं कहती ये इसी तरह विलेज में होते हैं ये देखो मुस्लिम पीछे भाग रहे हैं इंजॉय है जी ये देखो हाथ लगा रहे हैं उनको कोई कुछ भी नहीं कहते जो है ना जी भाग रही है मुझसे डर के और बिल्कुल ये गरीब है ये देखो जी ये कुछ भी नहीं कहती ठीक है ना जी और मुस्लिम जी इसका अभी ये देखो जी ये असल में हमसे डर के भाग रही है। और गाइस ये आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो एनिमल है ना जी खेत में घूमते फिर रहे हैं और मुस्लिम भी आए हुए इनका विजिट कर रहे हैं और अपना क्या नाम ये दूध पी रहा है ये आप देख रहे हैं जी ये देखो ये मिल्क पिए जा रहा है ये बछड़ा ना जी मिल्क पी रहा है सारा दिन जी बछड़े हैं जो बछड़ी हैं इसी तरह एनिमल का दूध पीते रहते हैं और घास खाते रहते हैं जी शाम को फिर भी ये मिल्क जो है जी वो डोली वाले को सेल कर देते हैं जो कि आतंक स्थिति में पहुँच जाता है आसानी से। गाइस ये जो ब्लैक बेड़ा लेके आ रहा है जी इसका नाम भी काला है और इसका मालिक इसको बुलाता है कि काले इधर आ तो ये इस तरफ आ जाता है। तो अभी ये देखो जी लाड कर रहा है लेकिन उनके हत्थे नहीं आ रहा क्योंकि सुबह से जी ये घर से बाहर निकले हुए सारे एनिमल और सारे के सारे घर भाग रहे हैं ये देखो और जो उनका मालिक है ना जी उनके पीछे भाग रहे हैं तो इनको वो इधर लेके आता है कि हमारे एनिमल की जी वीडियो बनाकर आप पब्लिक करें लेकिन जी एनिमल जो हैं जी वो भाग रहे हैं घर थके हुए हैं सुबह से ये काफ़ी सारा जानवर हैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह से जो विलेज के लोग हैं जी वो ज़्यादातर खेतीबाड़ी और मवेशी अपने जानवर पालते हैं और अपने रोज़गार जो है जी अपना वो डेली बेस पर जो अपनी लाइफस्टाइल ज़िंदगी है जी वो गुजारते हैं। इसी तरह जी गाइस आपको हमने ब्लैक बछड़ा भी दिखाया कितना गरीब बछड़ा है और मालिक कितना उससे प्यार करता है और उसके प्यार में उसका नाम भी काला रखा हुआ है और आपने एक काओ भी देखी है जी कितनी प्यारी काओ है बिल्कुल गरीब काओ है और दूसरी आपने एक काओ देखी कि अपने बछड़े को खेतों में ही दूध पिला रही है। तो इसी तरह जी बिल्कुल गरीब मवेशी हैं कुछ भी नहीं कहते छोटे छोटे बच्चे जी अपने मवेशियों को लेकर ज़मीनों में जी यानी कि चराहवे के तौर पर उनको ज़मीनों में चरा रहे हैं। तो यकीनन आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी क्योंकि हमारे शॉर्ट शॉर्ट क्लिप होते हैं जो चीज़ होती है आपको हकीकत में दिखाते हैं प्रूफ के साथ दिखाते हैं और आपको जी गारंटी के साथ दिखाते हैं हमारी वीडियो में झूठ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे नए भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जी आने वाली वीडियो आपके पास बासानी पहुँचती रहे। अब तक देंगे इजाज़त मिलेंगे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़।